जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कोई भी गर्ल की इमेज ले लेती हूँ, जैसे कि सपोज गर्ल की इमेज मैंने ली, अगेन ये सिलेक्शन आप लोगों को प्रॉपर लेना पड़ेगा। जब सिलेक्शन के लिए मैं आपको अगेन में बता देती हूँ, आप सेलेक्ट एंड मास्क, पहले आपको जाना है सिलेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद आपको अगेन किस पे जाना है, सिलेक्ट एंड मास्क। जैसे मैं सिलेक्ट एंड मास्क पे गई, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे प्रॉपरली मुझे हेयर पे थोड़ा सा मैनेज करना है। मैंने रिफाइंड एज ब्रश ढूंढ लिया, सेकेंड वाला ब्रश, इसका नाम क्या है यहाँ पे, रिफाइंड एज ब्रश टूल, दिख रहा है आपको, लोडिंग हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको मैं अप डाउन कर लेती हूँ, और यहाँ पे इसके बालों को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। डन, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा बैलेंस करने की नीड है, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा स्केलिंग लेके स्केलिंग अप डाउन कर लो आप। विजिबल हो रहा है आपको कितना लोडिंग यहाँ पे, सब कुछ नॉर्मल से उसको मैंने बैलेंस कर दिया। इसको बेसिक मैंने क्या किया, यहाँ पे डीकंटामिनेट कलर ऑन किया, लोडिंग यहाँ पे कितना हो रहा है। इसको मैंने यहाँ पे किया ऑन, और बेसिक मैंने क्या किया इसको, ओके सिलेक्शन निकला मेरे पास यस या नो, और यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट मेरा पिंक क्यों रह गया, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रॉपरली नहीं किया है। राइट क्लिक करना, अप्लाई लेयर मास्क, न्यू लेयर ले लो, बैकग्राउंड ऐसे आप कुछ भी एक्स वगैरह ले सकते हो। मुझे इसके करना है ड्रेस का कलर चेंज, तो मैं अगर यहाँ पे ड्रेस का कलर चेंज करती हूँ, मैंने क्या किया सिलेक्शन यहाँ पे ले लिया, दिख रहा है आपको, सिर्फ मुझे इसके ड्रेस का कलर चूज़ करना है, बाकी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। या तो आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ड्रेस में जो ऑलमोस्ट सिलेक्ट हुई जो नहीं हुई, उसको हम लोग यहाँ पे लेसर टूल से बैलेंस कर सकते हैं, यस या नो। तो मैं अगर देखती हूँ यहाँ पे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और होता है, यहाँ सिलेक्ट पे जाओ, आपको मिलेगा यहाँ पे कलर रेंज, पहले से कॉपी लेना आप एक कंट्रोल जे, नीचे वालों को मैंने ऑफ किया, सिलेक्ट पे जाने के बाद मिलेगा आपको यहाँ पे कलर रेंज। जैसे मैं सो कलर रेंज किया, मुझे कलर क्या चाहिए, कलर गए वो आप यहाँ पे पिक कर लेना। मैंने इसका ड्रेस का कलर ऑटोमेटिक लिया, तो इसको मैंने क्या किया लॉर्ड, अगर आपको यहाँ पे सेव करना है मैंने इसको किया, तो मेरे पास देखो ये कलर से सिलेक्ट हुआ येस या नो। मुझे मल्टीपल कलर चाहिए वो भी हम लोग ले सकते हैं। सपोज अगर आप अगेन में जाती हूँ, फोकस एरिया करना है, कलर रेंज आपको चाहिए, कलर्स का देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रेस का नॉर्मल नहीं किया, ओके दिख रहा है आपको ये पार्ट। तो जितना मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी, उतना मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होगी। सपोज मैं अगेन जाती हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट कलर रेंज, देन काइंड ऑफ, तो क्या वो पूरा यहाँ पार्ट सिलेक्ट हुआ येस या नो। अगर सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट करनी है, ड्रेस के लिए आप चाहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ले लो, मैजिक वॉन्ड ले लो, पेन टूल ले लो, जैसे आपको बैलेंस करना है उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हो। तब मेरे पास अभी नॉर्मल से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, लेसर टूल से मैं इसको प्लस माइनस मैनेज कर लेती हूँ, दिख रहा है प्लस से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया इसको काइंड ऑफ बेसिक रफली, सपोज यहाँ पे मुझे मिलेगा ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन जैसे डबल क्लिक मैंने किया है यहाँ पे, ड्रेस का कलर चेंज हुआ येस या नो। अब जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, उतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे रह गया येस या नो। सपोज मुझे अगर ये वाला पार्ट भी मेरे साथ में सिलेक्ट हो जाता, तो मेरे पास ड्रेस कलर यहाँ पे चेंज होता, आइडिया लगा। तो सिंपल क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे अगेन जाती हूँ ह्यू में, इसको मैंने किया डिलीट, जब मेरे पास क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिक सा, मेरा जो मोटिव है सिर्फ ड्रेस को सिलेक्ट करने का है। जैसे सपोज ये वाला पार्ट है, लेसर टूल मुझे मिलेगा प्लस और माइनस, वो आपके पास है कितना आपको बैलेंस करना है प्लस माइनस। तो मैंने क्या किया प्लस यहाँ पे किया, देन अगेन दिख रहा है ये पार्ट,
मुझे थोड़ा सा यहाँ बैलेंस करना है, माइनस में मैं लेती हूँ। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आया, मुझे अगर सपोज यहाँ पे प्लस करके मैनेज करना है डन, हल्का सा और मुझे इसको बैलेंस करना है ऐसा कुछ। अब मुझे नीचे तक इसको बैलेंस करना है तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मुझे क्या करना है इसको थोड़ा सा मैं माइनस में जाती हूँ। सिंपल क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ही मिलेगा आपको माइनस देन प्लस। मुझे अगर सपोज प्लस है इसको मुझे थोड़ा सा डी सिलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। बेसिक मैंने क्या किया यहाँ पे इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ से लिया ह्यू सेचुरेशन, मैं मुझे कितना बैलेंस करना है देखो। आप आपका यहाँ पे हैंड भी जा रहे हैं, देखो आपको कैसे आपको कलर की ड्रेस कैसे आपको यहाँ पे कलर देना है। मुझे सपोज यहाँ पे करना है ब्लू कलर, ग्रीन चाहिए, कैसा आपको कलर चाहिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। मुझे सपोज के हाथों को नहीं दिखाना, दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो हाथों पर गाइस बेसिकली अकॉर्ड बी मैंने प्रेस किया फिलहाल, वो सिंपल सा यहाँ पे। और मैंने क्या किया इसको कंट्रोल प्लस देन यहाँ से, तो क्या हो रहा है पूरा साथ में जा रहे हैं ये सी आना। ये तो मेरे पास एक ऑप्शन हो रहा है, जब मैं यहाँ पे इसको ले रही हूँ ना मैं कंट्रोल जे कर लेती हूँ, ड्रेस कॉपी हुआ ये सी आनो। अभी मेरे पास यहाँ पे हाथ है, हाथों को मैं यहाँ पे अलग से निकाल सकती हूँ या हाथों को मैं ब्रश भी कर सकती हूँ। क्लिक मैंने यहाँ पे किया सॉलिड कलर, चाहो तो आप ब्लैक रेड जो भी आपको कलर लेना है राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ब्लेंडिंग यहाँ पे यूज़ कर लो। ठीक है, आप कैसे आपको ब्लेंडिंग यहाँ पे करनी है, आप अगर कलरफुल नहीं यूज़ करना चाहते तो आपको मैंने ह्यू बताया हुआ है, ह्यू सैचुरेशन, आप यहाँ से भी चीज़ें बैलेंस कर लो। राइट क्लिक किया क्रिएट क्लिपिंग मास्क, मुझे इसके हाथों पे नहीं दिखा तो मैंने क्या किया इन सबको मैंने किया यहाँ पे ऑन। ये जो लेयर है ना ये वाली, बेसिकली मैंने क्या किया इतने एरिया को मैं कट कर लेती हूँ। लेसर टूल मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या करो इसको अगर आप ऊपर लोगे तो बेसिक क्या होगा मेरे पास दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी, दिख रहा है ये पार्ट आपका। मैं करती हूँ यहाँ पे रिलीज क्रिएट क्लिपिंग मास्क, देखो पूरी ग्रीन हुई लड़की है ऐसे, मुझे लड़की पूरी ग्रीन नहीं दिखानी, सिर्फ इसकी ड्रेस ग्रीन दिखानी है। सिंपल क्या करो क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये जो पार्ट है इसको आप इरेज कर लो। बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, काम हो रहा है यस या नो, सबको डिटेलिंग वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कुछ आइडिया लगा नहीं लगा, आप जो वैसे कुछ मेक ले लो, अगर आपको यहाँ पे कोई और भी इमेज ढूंढ